टीवी और मैं हूँ इरम चौधरी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस दायर करेंगे। सजा के बाद अपील दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दरकार होता है। अपीलों में फ्रीकैन की जानिब से दायर किए गए मुतफरक दरख्वास्तों का रिकॉर्ड भी लिया जाएगा। तफसीलात हासिल करें कि नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद है। अमरीन, अब मजीद अपडेट कीजिएगा इस अपीलों के हवाले से। जी बिल्कुल इरम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर होने का इम्कान है। तहम अपीलें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से दायर की जाएंगी। जो एहतसाब अदालत ने फैसला दिया है उसको चैलेंज किया जाएगा, जबकि अपील पर जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस करेंगे। जबकि आज ही अपीलें दायर होने का इम्कान है। ताहम 6 तारीख को फैसला आया था और उसके अगले ही रोज अपीलें दायर करने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका था। ताहम अपीलें दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दरकार होता है और अब तक 9 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। आज इम्कान है कि ख्वाजा हारिस की जानिब से आज अपील दायर की जाएगी, जबकि अपीलें दायर नहीं। ख्वाजा रही थी अमरीन अली, बहुत शुक्रिया आपका।